दोस्तों ये गाड़ी है स्कॉर्पियो एलएक्स 2014 मॉडल, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 14 मॉडल गाड़ी है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये गाड़ी का इग्निशन ऑन करने के बाद लाइट ब्लिंक कर रहा है चेक इंजन, तो इसका हमने स्कैनर लगाया है, स्कैन प्लस एक्स का कनेक्टर, ये लोकेशन है, इसका हमने कनेक्ट कर दिया है और ये हमारा स्कैनर है स्कैन प्लस एक्स, इसके बारे में आप पूरा डिटेल यहाँ देख सकते हैं। तो इस स्कैनर से हम इसको गाड़ी को स्कैन करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे और साथ में इसका जो फॉल्ट है उसको सही भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि इसमें क्या फॉल्ट है, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले इग्निशन ऑन करते हैं और ये चाबी लगाते हैं, हमारी चाबी है, यहाँ हमने इग्निशन ऑन किया। अब यहाँ पे देखिए लाइट ब्लिंक कर रहा है, ये वाला ये चेक इंजन लाइट जो है वो ब्लिंक कर रहा है और गाड़ी को सेल्फ मारेंगे तो स्टार्ट भी नहीं होगा। तो न्यूट्रल चेक करके आपको दिखाते हैं सेल्फ मार के, तो हम ये गाड़ी सेल्फ मार रहे हैं, सिर्फ ये एक क्रैंकिंग कर रहा है, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा गाड़ी। तो हम आपको दिखाते हैं इसको स्कैन करके और इसमें क्या फॉल्ट है वो भी आपको पता चल जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी में ऐसा इशू आ रहा है और ये जो लाइट है बार बार ब्लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्कैन प्लस स्कैनर में आपको यहाँ दिखाते हैं, स्कैन प्लस एक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर लोकल डायग्नोसिस में जाएंगे, एशियन में जाएंगे और यहाँ पे हम महिंद्रा इंडियन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें अपडेट आया है, पहले 13.50 था, अब 13.51 आ गया है और इसमें अपडेट काफ़ी अच्छा है, जैसे कि बिलेरो BS6 का जो भी महिंद्रा का है उसका इंजेक्टर कोडिंग हो गया, DPF सर्विस रीसेट हो गया, रीजनरेशन हो गया, SCR रीसेट हो गया, वो सारी कुछ दे दिया है। की प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो भी सॉल्व हो चुका है और रिमोट प्रोग्रामिंग है, और जो DTC क्लियर करने में दिक्कत आ रहा था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एयरबैग का वो भी सॉल्व हो गया। तो कुछ नया फंक्शन आया महिंद्रा के लिए, काफ़ी अच्छा अपडेट है, तो अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट भी कर लीजिए। अब यहाँ से हम इसको ओके करेंगे, हमारा ये ब्लूटूथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आते हैं, व्हीकल सिलेक्शन में जाइएगा तो आपको पैसेंजर कार में सारा यहाँ पे मिल जाएगा, फिर आपको कमर्शियल में यहाँ पे जाइएगा तो आपको सारा ये मिल जाएगा और यहाँ पे कम बैक जाइएगा, हॉट फंक्शन मिलाइजर में जाइएगा तो दो फंक्शन है यहाँ पे। हॉट फंक्शन में आपको चेचिस नंबर वगैरह अपडेट करना है, मॉडल नंबर अपडेट करना है, सर्विस लाइट रिसेट करना है, तो ये फंक्शन है आपको। और इमोलाइजर में जाने के बाद ओल्ड इमोलाइजर न्यू इमोलाइजर सिस्टम में जाइए, यहाँ पे देखिए की प्रोग्रामिंग इमो सिंक आ गया, रिमोट की का प्रोग्राम है, पुश बटन प्रोग्राम है और ECU अनलॉक है। तो हमें यहाँ पे आना है बाद में, पहले एक बार आप पूरा ओवरव्यू दे देते हैं, फिर बैक जाके आपको ओल्ड मेन्यू में दिखाएंगे। तो ये पुरानी जो भी स्कॉर्पियो जाइलो वगैरह सब है सो यहाँ पे है। तो हमें पहले इस गाड़ी को स्कैन करते हैं, इसके लिए पीछे जाते हैं, व्हीकल सिलेक्शन में जाते हैं, पैसेंजर व्हीकल में जाएंगे, स्कॉर्पियो में जाएंगे और ये एलेक्स है, तो यहाँ पे एलेक्स पे क्लिक करके आप हेल्थ रिपोर्ट निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे जो कोड आ रहा है इमोलाइजर का 1832 और 183F, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 183F इमोलाइजर का कोड है, यानी कि गाड़ी इमोबिलाइज है और इसका ECM लॉक हो गया, गाड़ी इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए ये दो कोड आ रहे हैं और साथ में नो ECM चैलेंज का भी कोड आ रहा है, तो इतना सारा कोड आ रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका रिपोर्ट बना के सेव कर लेते हैं सारे चीज़ें, आप यहाँ से देख लीजिए क्या क्या फॉल्ट आ रहा है, सारे इमोलाइज कंडीशन का भी कोड है, ये ECM लॉक का कोड है और इस यहाँ पे इमोलाइजर का कोड है। तो इसको जब तक हम ये स्कैनर लगा के अनलॉक नहीं करेंगे ECM, तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो हमने फॉल्ट कोड सेव कर लिया, बैक जाते हैं और यहाँ से एक ही बार में सारा फॉल्ट क्लियर करते हैं। अभी देखिए अब सिर्फ इमोलाइज कंडीशन का कोड बच गया, तो जो आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली दिख रहा होगा। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से बैक जाना है, एक बार और बैक जाइए, पूरा बैक जाइए, फिर से बैक एक बार और, यहाँ पे हॉट फंक्शन इमोलाइजर में जाना है, फिर इमोलाइजर पे क्लिक करना है, इमोलाइजर सिस्टम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ECU अनलॉक EMS ECU अनलॉक पे क्लिक करना है। अब ऑटो आइडेंटिफाई कीजिए और बोला कि कन्फर्म कीजिए कि आपका सिलेक्शन सही है कि नहीं, तो हम कन्फर्म करते हैं इस पर क्लिक करके। अब ये EMS अनलॉक सक्सेसफुली लिख दिया, अब यहाँ पे ओके कीजिए। अब आप यहाँ पे देखिएगा इसका जो लाइट ब्लिंक कर रहा था अभी ब्लिंक कर रहा है, अब इसको स्विच ऑफ करते हैं और चाबी निकालते हैं और थोड़ा सा वेट करेंगे, उसका चाबी लगाएंगे। तो वापस से हम यहाँ पे चाबी लगाते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं और फिर आपको यहाँ दिखाते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि लाइट ब्लिंकिंग बंद हो गया, तो वापस से न्यूट्रल चेक करेंगे, अब गाड़ी को क्रैंक करते हैं, दिखाते हैं स्टार्ट करके, वापस से एक बार निकाले एक लगाए, अब देख लीजिए लाइट यहाँ पे ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। लगा 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 लगा
ये लाइट ब्लिंक बंद हो गया, वापस एक बार स्कैन कर लेते हैं क्या कि हो सकता है रेल में प्रेशर ना बन रहा हो जिसकी वजह से ये हो रहा है, नहीं तो हमें थोड़ा सा पेट्रोल सुंघाना पड़ेगा। अब यहाँ से बैग जाते हैं, एक बार पूरा बैग गए। व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर व्हीकल स्कॉर्पियो LX, हेल्थ रिपोर्ट। अब यहाँ पे अभी भी एक कोड आ रहा है हिस्ट्री में, तो यहाँ से कोड को क्लियर कर लेते हैं। सारा नॉर्मल हो गया, बैग जाते हैं फिर से, और यहाँ से फिर से बैग गए, फिर से हॉट फंक्शन मिलाइजर सिस्टम रजिस्ट्रेशन, EMS EC अनलॉक, ऑटो आइडेंटिफाई, एस पे क्लिक करते हैं, ओके किए, और यहाँ से थोड़ा देर के लिए इग्निशन ऑफ करके वेट करते हैं। तो तब तक वेट करते हैं, तब तक इसको वीडियो को पॉज करते हैं, फिर आपको स्टार्ट करके दिखाएं। तो दोस्तों लगभग हमने 5-10 मिनट वेट किया था, इसके बाद मैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये चाबी वापस से निकाल के वापस लगाता हूँ और इग्निशन ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे मीटर पे देखता हूँ सारा लाइट बंद हो गया, अब स्टार्ट करके अब ये गाड़ी स्टार्ट हो गई दोस्तों। अब ये देखिए कि आपका जो ये थोड़ा सा पेट्रोल सुखाना पड़ा, क्योंकि इसमें क्या था ना कि गाड़ी बहुत दिन से बंद पड़ा था, तो आपको गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे RPM देख सकते हैं, मैं आपको फ्लैश लाइट ला के दिखाता हूँ कि इसका RPM आगे पीछे हो रहा है। एक्चुअल में इसमें इशू था कि बहुत देर से गाड़ी बंद पड़ा हुआ था, तो आप यहाँ पर देखिए इसका एक्सीलेटर लेता हूँ तो इसका RPM आगे पीछे हो रहा है। देखिए इसका RPM स्टार्ट हो चुका है गाड़ी। तो इस तरीके से आप किसी भी स्कैनर से, एक लॉन्च के MKT स्कैन प्लस स्कैनर से मैंने इसका ECM को अनलॉक किया और ये गाड़ी बंद था तो स्टार्ट किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।